बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नय्यर इकबाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस जो हैं हम वो सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 के दो बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिनमें आपको एक इक्वेशन और उसके रूट्स गिवन हैं और आपने एक अनदर रिज़ल्ट जो है ना, एक आपने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डाटा। सो स्टूडेंट्स, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो सी हाउ वी सॉल्व दीज टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 62। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन 2 हम करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, ये दो सवाल जो हम अभी पढ़ेंगे ये अच्छे सवाल हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, टेक्निकल क्वेश्चन हैं। आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 का सलूशन ये है, इफ़ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब है कि एक आपके पास गिवन इक्वेशन है और उसके रूट्स हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं एज गिवन अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी दिस इज इक्वल टू जीरो। सो स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स आप जानते ही हैं कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए। यहाँ पे देखें माइनस बी की कीमत है यहाँ पे माइनस पी और ए है 1, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स जो है आपके पास वो सिंपल पी आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो दिस इज सी बाय ए और सी की वैल्यू है यहाँ पे माइनस पी माइनस सी डिवाइडेड बाय 1, देयरफॉर माइनस पी माइनस सी, ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आपने प्रूव करना है कि 1 प्लस अल्फा को 1 प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस सी आता है। सो वी टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बीटा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप इसमें वैल्यूज लगा दें, 1 प्लस दिस इज पी एंड प्रोडक्ट माइनस पी माइनस सी। सो स्टूडेंट देखें यहाँ पे पी कैंसिल, दिस इज 1 माइनस सी एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। सो वी हैव प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स देखिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 और मोस्टली ये मैंने देखा है कि एग्जाम्स में आ जाता है। पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू ये इक्वेशन है और इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं और आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि एज गिवन अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू दिस इज इक्वल टू जीरो। सो सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय पी। ये तो आपके फार्मूले के मुताबिक आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं। अब आप इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो आपने प्रूव करना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इज स्क्वायर रूट प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी। स्टूडेंट्स देखिए ये जो पहली दो टर्में हैं यहाँ पर अगर आप एलसीएम निकालें तो अल्फा बीटा इट्स स्क्वायर रूट ये एलसीएम बनता है। सो बीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल, अल्फा स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आ जाएगा प्लस बीटा प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी इट्स स्क्वायर रूट। अब आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ आप वैल्यूज लगा देते हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास माइनस क्यू बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू बाय पी इट्स स्क्वायर रूट प्लस क्यू बाय पी इट्स स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स देखें ये है क्यू डिवाइडेड बाय पी और ये है क्यू डिवाइडेड बाय पी विद स्क्वायर रूट साइन। जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे क्योंकि यहाँ है q डिवाइडेड बाई p की ताकत है 1 बाई टू, q डिवाइडेड बाई p यहाँ है 1,
सो जब इसको कैंसिल करेंगे तो वन में से वन बाई टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी हैव माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी अंडर रूट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी अंडर रूट दिस वन, बोथ कैंसिल एंड वी गेट जीरो, दिस इज आवर राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हमने सॉल्व किया। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नए क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से खुद हाथ से करें, नोटबुक पकड़ें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर दें करना।